हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग। मेरी से गाइस हाजिर है आज एक नवरात्रि स्पेशल, बहुत ही व्रत के लिए यूनिक सा रेसिपी लेके। तो आज है नवरात्रि का पांचवा दिन, तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना और आलू का बहुत ही डिलीशियस खिचड़ी, जिससे आप एक कटोरी भी खा लोगे तो आपको पूरे दिन भर भूख नहीं लगेगी। और कुछ बातों का जब खिचड़ी बनाओगे कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको वो टिप देती रहूँगी। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते। तो आपको खिचड़ी के लिए बना लेना है बड़ा वाला साबूदाना, उसको रात भर फुल नाइट भिगो के रखना है। और यहाँ पर मैंने आलू को बहुत बारीकी से काट के अच्छे से धुल के क्लीन कर लिया है। अब पैन को बैठा देंगे, पैन में डालेंगे घी, अगर आपके पास घी ना हो तो फिर आप मूंगफली का तेल भी ऐड कर सकते हो जो व्रत में खाया जाता है। फिर थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, आलू को डाल देंगे और आलू के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करोगे और जो व्रत वाला मसाला आता है वो डाल देंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे। क्योंकि आप जब साबूदाना ऐड करोगे उस तब भी आपको नमक डालना पड़ेगा, तो नमक बहुत अच्छे से डालो। फिर ढक के इसको तब तक पकाए, फ्राई करें जब तक कि आपका आलू गल ना जाए। तो 4 से 5 मिनट पकाने के बाद देखो आलू बहुत अच्छे से गल गया है। और जब आलू अच्छे से गल जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तब आप ऐड करोगे साबूदाना। और एक बात का ध्यान रखें, साबूदाना डालने के बाद गैस आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 20 सेकंड तक ही पकाना है। अब साबूदाना के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करोगे और फटाफट से चला देना, ऊपर से हरा धनिया डाल देना है और 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका गैस का जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है। तो देखो एकदम गर्मा गर्म साबूदाना आलू की खिचड़ी बन के रेडी है। आप इसे व्रत में एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, अगर आप सही टाइम पे गैस नहीं ऑफ करोगे और 10-20 सेकेंड से ज़्यादा पकाओगे तो साबूदाना जो है ना वो हार्ड हो जाएगा और आप जब भी खाओगे इसे तो आपके दांत में चिपक जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें।